अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज हम मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। तो आज मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि रूटीन वाइज मेरा साथ दोस्त होता है गुफार, तो वो कुछ दिनों से घर गया हुआ है, तो एक दो दिन में भी छुट्टी होगी, इस वजह से मैं भी नहीं आया। तो आज आया हूँ क्योंकि ज़्यादातर वो मेरे साथ होता था, हम दोनों कम्फर्टेबल रहते हैं। तो उसकी वालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसी वजह से घर चला गया। तो जितने मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे, तो सबसे दरख्वास्त है कि मेरे दोस्त की वालदा के लिए दुआ करें, वो जल्द से जल्द तंदुरुस्ती और अल्लाह ताला दे और वो वापस आए, तो फिर हम दोबारा फिर हम दोनों इकट्ठे आए करेंगे वहाँ के लिए। तो अब मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैंने अभी 3 चक्कर लगा लिए हैं ग्राउंड के, तो अब मैंने रेस्ट की है। मैंने कहा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, वॉक में निकाल ली है, रनिंग मैंने 3 चक्कर लगा ली है। अब हम कुछ रनिंग करके फिर वॉकआउट करेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। सुबह एक फ्रेश फीलिंग जो होती है वो महसूस होती है सुबह सुबह। तो पार्क में काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वॉक करने के लिए, तो आए आज हम भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की वॉक। टाइम से उठ जाते हैं, नमाज पढ़ी सुबह सुबह, अल्लाह को याद किया, तो इधर रनिंग के लिए आ गए। तो आज का फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं। अभी चंद ही लोग आए, ज़्यादातर अभी नहीं आए, जब आएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा वाम आती है इधर, ये सारी उस साइड भी पार्क है, इस साइड भी पार्क है, तो वो उस साइड भी पार्क है, इस साइड भी पार्क है। वहाँ पर वॉक करते हैं, इधर भी करते हैं। मैं ज़्यादातर इसी पार्क में आता हूँ, तो मैं इधर ही अपने वर्कआउट करके अभी चला जाता हूँ। आप में से कौन कौन करता है वर्कआउट? मैं पहले जिम जाता था, जिम जाने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि शाम को ऑफिस आना, ऑफिस से भी थक के आएगा, थक टूट के आना तो नहीं जाया जाता। फर्स्ट टाइम ये होता है, चलो इंसान सुबह उठ जाता है, नमाज़ पढ़ लेते हैं और वॉक पे आ जाते हैं, तो फिर अच्छा लगता है ये भी। और शाम को बंदा आराम से सो भी जाता है, टाइम से सुबह टाइम से उठ भी जाता है। वॉम ऐसे ऐसा आनी स्टार्ट हो गई है। ये मेन फ्रोज को क्या कहते हैं, एयरपोर्ट रोड है ये वाला, ये देखिए मेन एयरपोर्ट रोड है, उसके साथ ही ये पार्क है, तो इधर ही आते हैं हम, इधर वॉक करके चले गए। मैंने पहले भी 3 चक्कर लगाए हैं, मैंने कहा चलो एक और लगाते हैं फिर वॉक और शुरू करेंगे। जी मेरा चौथा चक्कर भी कंप्लीट होने को है। लो फ्रेंड्स, हमारा चौथा चक्कर भी कंप्लीट हो गया। अब हम तकरीबन 2-3 मिनट रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर वर्क को स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादातर जल्दी आता हूँ और सूरज भाई जान के निकलने से पहले चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जाते रूम पे जाके फिर अपनी वो क्या कहते हैं ड्रेस वगैरह उसको प्रेस करना होता है, फिर जो मेरी एक बाइक है उसको भी टाकी शाके लगानी होती है, क्योंकि जिसके ऊपर सफ़र करना है उसको वो तो फिर ठीक रखना पड़ता है ना, तो वो भी जा काम करने होते हैं, इसी वजह से शावर लेना, अपने कपड़े फ्रेश करना, बाइक को टक्की शक्की लगाने में टाइम लग जाता है। जब तक ये सब होता है तब तक हमारा ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, और फिर हम ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तो इस वक्त हम इसी वजह से सुबह
नमाज पढ़ के जल्दी आ जाते हैं ताकि जल्दी से अपना काम कर कि वो टाइम से चला गया। देखो भैया कि स्टार्ट भी हो गए, हम भी इसी तरह अपना वर्कआउट करके चले जाएंगे। मैं काफ़ी दिनों में सोच रहा था कि मॉर्निंग टाइम भी एक ब्लॉग बनाया जाए इस पर भी, तो आज बस भी कर दिया। और कुछ भाई जान अभी तक कुछ भाई जान अभी तक पार्क में सोए हुए हैं, पता नहीं कौन है कौन नहीं, घर से लड़के आए हुए हैं कैसे, फिर भी सोए हुए हैं। एक और दो आदमी हैं वो भी पार्क में सोए हुए हैं, अपने घर लड़के आने बुले ना। ये दोनों कुछ भी सो गए, पता नहीं लड़के आए हैं बेचारे, मेरा रात में कट दें। चलो असी तो मन भी घरों दूर हाँ, तुम इतने रह के पार्कें जा के सौंदे जी यार। दो वो नौजवान सोए हुए हैं, एक वो सोया हुआ है, और ये वो माली है पार्क का जो सफाई कर रहा है, और ये देख पंप शंप लगा हुआ है, और ये भैया आ गया, वो भी भाई अली लिए सहारे। हम भी अपना काम शुरू करते हैं और हम इसको लगा देते हैं स्टैंड पे।
फ्रेंड्स, मेरा वर्कआउट तो खत्म हो गया, अब हम करें रेस्ट, 2-3 मिनट अब रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। पार्किंग साहब आ चुके हैं और अपना वर्कआउट कर रहे हैं, अब हम करते हैं 2 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर आपको बाकी दिखाते हैं। ये भाई भी जाग गए हैं और वो भाई जो बैठा है उसका आई थिंक पेपर नज़दीक है बेचारे के, वो बेचारा रट्टे मारने पे मुश्किल मशहूर है। और ये भाई जान अंकल साहब योगा कर रहे हैं और वो भाई घर से वॉक के लिए आए और वहाँ फिक्स हो गए। और उधर ये भाई वर्कआउट कर रहे हैं, ये भाई जाग गए। ये देखिए वो है कराटे मास्टर, वो कराटे सिखा। और इधर सब देखे आ चुके हैं, ज़्यादा इनमें बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट। और ये भी भैया आ गया, अभी तक सूरज चाचू निकले नहीं है। कैसे हैं आप? क्योंकि अब मेरे जाने का वक्त हो गया और ये अंकल जो आया है वो लेट टाइम तक करते रहते हैं। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी आवाज़ चल पड़ी। हाँ हाँ हाँ, मज़ा आ गया, बहुत प्यारी आवाज़ चल गई। सो गाइस, अब हम वापसी की तैयारी करते हैं। और ये भाई जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं वो इधर बैठे हुए हैं, पहले इनके पास काफ़ी लड़के थे, अब ये एक भाई रह गया, तो पता नहीं स्टूडेंट सब चक्कर हो गए। अब
अब हम वापसी को चलते हैं। रास्ते में एक आता है सरदाई वाला, 2 दिन हो गए मेरे पास चेंज नहीं था। मैंने उसको यार तेरे पास चेंज है, वो कहता भाई चेंज नहीं है, तो उसको मेरे पास 1000 का नोट होता। तो आज मैं घर से चेंज लेके आया। तो आज चल के पहले खाली पेट सरदाई पीते हैं, फिर घर को चलते हैं। ओके भैया, हम पार्क से आउट हो रहे हैं। पार्क का आउट गेट समझ लें आप। यहाँ से हम वापस घर की तरफ, और ये है पार्क। सूरज में अभी भी वो वॉश शावर लेंगे, फिर टूथब्रश करेंगे, फिर अच्छी तरह से मेकअप होंगे, तब तक के लिए हम घर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं हम सरदाई वाले के पास। लो भाई जान, हम पहुंच गए हैं सरदाई वाले के पास। आज देखते हैं इसके पास चेंज आई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आज चेंज आया? कोई नहीं यार, है गल माड़ी यार। तू डेली चेंज ही रख, तू चेंज वगैरह रख लेगा अज। फिर मैं चेंज बह गया, कहीं चलो लाइफ ही जावा। वा क्लास नहीं है? हाँ वा क्लास, 10,000 रुपये का तो वा दे। तो ये गाइस है सरदाई वाला भाई, जिससे पर डेली चेंज नहीं होती थी। तो मैं क्या अच्छे मैं चेंज लैके जानी तो पी की जाना। तो आज आप पीते हैं सरदाई। ये पीछे मशीन लगी हुई है, अच्छी बनी है। जब हम छोटे थे ना बचपन में, जब मस्जिद जाते थे, जब मस्जिद से वापस आते तो हमारी जो मॉम थी ना, वो हमें बना के पिलाती थी सुबह सुबह खाली पेट। जैसे तो नहीं है बट बेटर। और घर वाले जबरदस्ती पिलाते थे, पी पुत्र पी, तो तेनू पीनी पैगी। सो फ्रेंड्स, हम घर पहुँच चुके हैं। तो घर पहुँच गए तो हम बाकी काम भी स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताए थे, तो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो इसके साथ हम इजाज़त दें, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।